यदि आप ग्लैमर, पैसा और नाम कमाना चाहते हैं तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि एक भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं और आपके अंदर फैशन को लेकर अट्रैक्शन है तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग का करियर आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। पिछले कुछ टाइम में इस फील्ड ने बहुत तेजी से ग्रोथ की है और इसमें जॉब के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल, यहाँ तक कि आप विदेशों में भी काम कर सकते हैं। लेकिन बस जरूरत है आपके अंदर फैशन के लिए पैशन होना, क्रिएटिव होना और कुछ हटकर करने का जुनून होना। अब जानते हैं कि टेक्सटाइल डिजाइनिंग होता क्या है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप के डिजाइन को कई ड्रेसेस, बेडशीट, स्टॉल्स आदि पर बनाया जाता है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कपड़े को डिजाइन करने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग करने तक के बहुत सारे स्टेप होते हैं, जिन्हें सीखने के बाद कैंडिडेट इसी फील्ड में कई टाइप के जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक टेक्सटाइल डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी के बेस पर ही डिफरेंट डिजाइन को कपड़ों पर प्ले करता है। जो डिजाइनर जितना डिफरेंट सोचेगा वह उतना ही ज्यादा इस फील्ड में सक्सेसफुल बनेगा, क्योंकि टेक्सटाइल डिजाइनर को ये मालूम होना चाहिए कि किस टाइप के डिजाइन डिमांड में है, तभी वह अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टेक्सटाइल डिजाइनर कैसे बने। तो आगे बहुत कुछ जानेंगे इस कोर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे करियर ऑप्शन आपको पता चलते रहे। आपको बता दें कि टेक्सटाइल डिजाइन कोर्स करने के बाद आप होम फर्निशिंग डिजाइनर, रिसर्च असिस्टेंट, फैशन डिजाइनर, कारपेट डिजाइनर, टेक्सटाइल डिजाइनर जैसे पोस्ट पर काम कर सकते हैं। आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स 12th के बाद कर सकते हैं। आप इस फील्ड में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं और डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं। अब बताती है एलिजिबिलिटी की। तो इस कोर्स को आप 12th के बाद कर सकते हैं, लेकिन आप 12th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होने चाहिए। स्टूडेंट को डिजाइनिंग और कलर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए और स्टूडेंट क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब बात आती है इस कोर्स को करने के लिए इंस्टीट्यूट की। तो आपको बता दें कि हमारे इंडिया में टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोर्स के बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पर आपको इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके बाद ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां पर आप बिना एंट्रेंस के भी इस कोर्स को कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के नाम भी बता देती हूं जहां पर आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर, IIFT चंडीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, IMS डिजाइन एंड इनोवेशन एकेडमी, पर्ल एकेडमी दिल्ली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यूपी, पर्ल एकेडमी मुंबई, साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची, आर्क एकेडमी ऑफ डिजाइन जयपुर। टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोर्स करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो आइए जानते हैं। तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल फैब्रिक डिजाइनिंग के बारे में जानेंगे, कलर एंड क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में जानेंगे, स्केचिंग एंड ड्राइंग आपको सिखाई जाएगी, बेसिक्स एंड डिजाइनिंग्स के बारे में आप जानेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज ये भी आप पढ़ेंगे, डाइन एंड प्रिंटिंग, फैशन डिजाइनिंग एंड इलस्ट्रेशन, बेसिक टेक्सटाइल नीटिंग, फ्री हैंड ड्राइंग एंड पेंटिंग, कंप्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइन, इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स। तो ये सब आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलेगा। अब बता दी है जॉब अपॉर्चुनिटी की और सैलरी। तो कोई भी कैंडिडेट टेक्सटाइल डिजाइनिंग कोर्स करने के बाद टेक्सटाइल डिजाइनर, फैब्रिक डिजाइनर, एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर, ड्राइंग और प्रिंटेड कंसल्टेंट, टेक्सटाइल लैब असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर काम कर सकता है। और अगर सैलरी की बात की जाए तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक तो होगी। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर अगर कैंडिडेट में स्किल्स है और एक्सपीरियंस है तो वह लाखों रुपए भी कमा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक करके जरूर बताएं और कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप चाहें तो हमें FB और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकती हैं, पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।